खबर का रुख करते हैं और जानते हैं कि देश में ओमिक्रॉन की स्थिति क्या है। ओमिक्रॉन वेरिएंट की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है। ओमिक्रॉन वेरिएंट का आंकड़ा 113 हो चुका है। 15 दिनों में एक से अब 113 तक पहुंच चुका है यह आंकड़ा। देश के 11 राज्यों में ओमिक्रॉन का वायरस फैला। गाजियाबाद में भी 2 ओमिक्रॉन संक्रमित मरीज मिले। बुजुर्ग दंपति में भी ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है। 24 घंटे में 7,145 नए केस दर्ज किए गए और इसी के साथ मरीजों की मौत का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। देश में एक्टिव केस 84,000 के पार है। तो नया वेरिएंट जो है वो बेहद खतरनाक है, बहुत ज्यादा तेजी से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है और यही वजह है कि लगातार आंकड़ों में भी बढ़ोतरी हो रही है। राजधानी दिल्ली में ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच गुरुग्राम में भी चिंता बढ़ने लगी है। हालांकि जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने ओमिक्रॉन से निपटने की पुख्ता तैयारियां कर ली है। स्वास्थ्य विभाग ने कोविड-19 मरीजों के लिए 6,000 बेड सुनिश्चित कर दिए। वहीं जिला प्रशासन ने शहर में बढ़ाए नो कंटेनमेंट जोन, वैक्सीनेशन की रफ्तार को लगातार बढ़ा दिया। शहर की 98% आबादी को वैक्सीन की पहली और दूसरी डोज लगाई गई। ओमिक्रॉन के खतरे के बीच भीड़भाड़ वाले इलाकों में लापरवाही दिखने को मिल रही है। लोग बगैर मास्क और बगैर सोशल डिस्टेंसिंग के नजर आ रहे हैं। हमारे संवाददाता राज वर्मा ने ओमिक्रॉन के खतरे के बीच लोगों की लापरवाहियों का जायजा लिया। देखिए, 98% की आबादी जो देश में ओमिक्रॉन के मामले 100 के पार पहुंच चुके हैं, तो वहीं दिल्ली में ये संख्या 10 तक पहुंच गई है। ऐसे में दिल्ली से सटे गुरुग्राम में भी अब चिंता बढ़ने लगी है। स्वास्थ्य विभाग की माने तो ओमिक्रॉन से निपटने की तैयारियां पहले से ही चल रही है। करीब 6,000 बेड कोविड पेशेंट्स के लिए रिजर्व किए गए हैं, जिसमें ऑक्सीजन और आईसीयू बेड भी शामिल है। साथ ही साथ ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए ओमिक्रॉन के लिए भी बेड जो है प्राइवेट और सरकारी हॉस्पिटल्स में अलग से रिजर्व किए जा रहे हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग ने प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि अगर कोई भी इस तरह का मामला आता है तो तुरंत उन्हें सूचना दी जाए। साथ ही साथ जिला प्रशासन ने कंटेनमेंट जोन की संख्या भी अब बढ़ानी शुरू कर दी है। गुरुग्राम में अब यह संख्या एक बार फिर 9 हो गई है। इससे पहले दूसरी वेव में देखने को मिला था कि लगातार जिस तरह से मामले बढ़े थे, सख्तियां बढ़नी शुरू हुई थी, तो उसी तरह की सख्तियां देखने को मिल रही है कि लगातार जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ओमिक्रॉन को लेकर सचेत है। साथ ही साथ जो वैक्सीनेशन की जो को लगाने की में भी तेजी की जा रही है। गुरुग्राम की बात करें तो 98% की आबादी जो है उन्हें उसे दोनों डोज अब तक लग चुकी है, लेकिन ओमिक्रॉन की जो चिंता है वो लगातार बनी हुई है और उसको देखते हुए जो तमाम तैयारियां हैं जिला स्तर पर कहें, स्वास्थ्य विभाग की कहें या फिर सरकार के तरफ से, तो वो लगातार की जा रही है। साथ ही साथ लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है, लोगों को बताया जा रहा है कि एक बार फिर से खतरा मंडराने लगा है, तो अगर वो बाहर निकले तो मास्क का इस्तेमाल करें, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचे। गुरुग्राम से